हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस, फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिए, ये हमारे कुछ लोकेशन थे जो मैंने आप लोगों को डे 14 में दिया था, जहां पर हमारे पासेस के बारे में था, जहां पर मांगशा दूरा पास था, मुलिंगला पास था, पैंगसंग पास था, पेंसिला था, कारा तागस पास था, शंकोटा गैप था और ट्रेल्स पास था। इन सारे पासेस को करने के बाद हम लोग लगभग लगभग हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, चाहे वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पासेस खत्म कर लिए होंगे। फटाफट जरा इसकी लोकेशन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग लोकेट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारा पहले देखना हमारा लोकेशन। तो देखिए फटाफट हमारी अर्थ आ जा रही होती है। अर्थ से हम लोग जरा फटाफट चल लेते हैं अपने इंडिया के साइड में और यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे लोकेशन के पास। तो देखिए, सबसे पहली जो हमारी लोकेशन आ जाती है वो आ जाती है पेंसिला। पेंसिला आपको मिलेगा जोजिला के बगल में, तो ये हमारी जोजिला है और यहीं बगल में देखिए आपको पेंसिला दिख जाएगा, दिस इज पेंसिला। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली ये क्या कर देगी, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ दे रही होती है पेंसिला। फिर आपके आ जाती है काराताक। काराताक जब आ जाएंगे आप तो आपको मिलेगा ये कारा अक्साई चीन के पास में, एंटेसेस काराता यहां पर, तो ये काराताक आपको मिल जाएगा बेसिकली, जो इंडिया को तिब्बत के साथ में कनेक्ट कर रहा होता है या फिर कह सकते हैं कि इसको चीन के साथ में कनेक्ट कर रहा होता है। ये एंशियंट टाइम पे ट्रेड रूट का भी पार्ट हुआ करता था, मतलब कि उस समय की जो सिल्क रूट की पार्ट हुआ करती थी। इसके अलावा देखिए हमारे पास कुछ और भी लोकेशंस आ जाएंगे, जैसे मुलिंगला पास। मुलिंगला पास आपको मिलेगा उत्तराखंड में और यहाँ पर आप आ जाइए फटाफट से मुलिंगला के पास में। तो देखिए मुलिंगला यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे केवल और केवल ट्रेल्स पास दिया गया। तो ये देखिए ये ट्रेल्स पास है और इसको बारीकी से देखेंगे तो बड़ा सुंदर सा दिखेगा आपको। ये बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर के पास में पड़ता है, तो यहीं पर आपको गंगोत्री ग्लेशियर हो गया या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, सबके सब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग मजा कम लेते हैं, पढ़ाई ज्यादा कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेखा पानी के पास में ही, यहाँ पर सेंगसू पास हम लोगों ने देखा था और यही यहाँ पर सेंगसू पास के नाम से ही हो जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो देखिए हमारी ये कुछ लोकेशन थी जिसको हम लोगों ने फटाफट देखा है, अब हम लोग आ जाते हैं और लोकेट कर लेते हैं हमारी लोकेशन। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मांगशा धूरा ये हम लोग नहीं देखे, हमारी लोकेशन नहीं मिल पाई है। ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पास में पड़ता है। सिमिलरली जो हमारी मुलिंग पास है ये भी उत्तराखंड में पड़ जाती है। पेंगसंग पास ये वही अरुणाचल प्रदेश वाली है जो हम लोग देखे हुए थे, जहां पर सेंगसू पास के नाम से देखा गया था। पेंसिला अगेन आपको देखने को मिल गया था, जो जम्मू कश्मीर में जोजिला के पास में था। काराताक पास ये हमें अक्साई चीन के पास में पड़ा हुआ था और ये लद्दाख में आ गया था। शंकोटा पास ये वेस्टर्न घाट में है, इसकी लोकेशन मैं दिखाया नहीं बट ठीक है, मैं आपको लोकेट करके अभी दिखा दूंगा क्या चीज है। ट्रेल पास ये अगेन उत्तराखंड में पड़ जाती है। तो बेसिकली ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये तीनों पास पास की ही लोकेशन है। स्टार्ट करते हैं लोकेट करना फटाफट। तो देखिए हमारे पास आ जाएगी यहां पर, देखिए हमारी जोजिला पास हो जाती है, जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा कि ये ट्रेल पास है, ये बन जाएगी आपकी ट्रेल पास। क्लियर हो गया? सॉरी, दिस इज ट्रेल नॉट ट्रेल, दिस इज पेंसिला पड़ जाएगा, दिस इज पेंसिला। सिमिलरली आपको काराताग यहां पर आप बना देंगे, ये जो है आपका काराताग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आ जाएंगे मुलिंगला। तो देखिए यहां पर ये उत्तराखंड है, यहां पर आप बना लेंगे मुलिंगला के बारे में, यहां पर आप बना देंगे ट्रेल पास के बारे में और यहां पर आप बना देंगे हमारी मांगशा के पास में। तो ये हो जाती है मांगशा, ऊपर आ जाएगी ट्रेल, उसके बगल में हो जाएगी क्या, मुलिंग, दिस इज मुलिंगला। तो हम लोगों ने सारी लोकेशन को यहां पर बना दिया। सेंगसू पास है, यहां पर आप लगा सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं पेंगसू पास, एक ही चीज है दोनों ही, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारी एक लोकेशन है जिसका नाम है सिंकोटा। सिंकोटा देखिए, ये सिंकोटा जो होता है ये नीलगिरी के पास में यहां पर पड़ता है और ये मदुरई को कोट्टायम के साथ में जोड़ रहा होता है, मतलब मदुरई यानी तमिलनाडु में आ जाएगा और ये हमारी कोट्टायम मतलब केरल में आ जाएगी। तो ये जो पास है ये बेसिकली आ जाती है हमारी सिंकोटा पास। सिंकोटा क्लियर हो गया क्या चीज है पास का नाम? तो हम लोगों ने लोकेट कर लिया है फटाफट लोकेशंस पे, अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले मांगशा धूरा के बारे में है। मांगशा धूरा अगेन उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पास में है और ये इंडिया को तिब्बत के साथ में कनेक्ट कर रही होती है। द पास हैज हाई रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जो क्योंकि यहाँ पर मानसरोवर के लिए जो लोग भी जाते हैं वो इसी पास का यूज कर रहे होते हैं। द रीजन फेस हाई थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड एंड क्लाउडबर्स्ट टाइप डिजास्टर। चलिए आगे देखते हैं मुलिंगला पास। द पास इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, दिस सीजनल पास जॉइंस उत्तराखंड विद तिब्बत।
द पास इज हैविंग हाई एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज इट रिमेन्स स्नो कवर्ड. क्लियर. सैंगवान पास के बाद में देखेंगे तो यहां पर देखिए द पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इट कनेक्ट इंडिया विद म्यांमार. द पास इज हैविंग हाई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज वेल एज रिलीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एज इट इज बींग यूज फॉर मेनी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. तो जितने भी आपके अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं जैसे एनएससीएम आईएम हो गया या एनएससीएम खापलांग हो गया, इसी सारे पासों का यूज कर लेते, इसी सारे पासेस का यूज कर लेते थे. पेंसिला के बारे में बात करें तो ये देखिए ग्रेटर हिमालयन रीजन में पाई जाती है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ रही होती है. स्टेट के बारे में बात करें जम्मू कश्मीर में आ जाती है. द एरिया इज अगेन इंपॉर्टेंट एज इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो. क्लियर. आगे देखिए हमारे पास आ जाती है काराताक पास के बारे में. तो द पास इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दिस पास वॉज, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर नहीं, यहां पर आप इसको मतलब करेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज एक्चुअली यूटी हो गई है जो लद्दाख में है. दिस इज इन लद्दाख अक्साई चीन के पास में. ये जो होता है एक समय एंशियंट सिल्क रूट का पास था, पार्ट था, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था. सेंकोटा पास वेस्टर्न घाट में आ जाती है जो कि मदुरई को कोट्टायम के साथ में कनेक्ट कर रही होती है. ये जो होती है काफी डिस्टेंस को शॉर्टन कर देती है और इसी वजह से इकोनॉमिक ट्रेड रूट के फॉर्मेट में यूज हो रही होती है. लास्ट आ जाती है हमारी ट्रेल पास के बारे में. द पास इज लोकेटेड इन द पिथौरागढ़ उत्तराखंड एंड सिचुएटेड इन द एंड्स ऑफ पिंडारी ग्लेशियर एंड लिंक्स पिंडारी वैली ऑफ मिलम वैली. तो आपको ये छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी थी. इसके अलावा आप लोगों ने लिखे भी थे, कई सारे लोगों ने आंसर लिख करके भेजे थे, तो काफी अच्छा है. अब आप लोग इंप्रूव भी कर रहे हैं. देखिए प्रैक्टिस करने से ही इंप्रूवमेंट आएगी, वही आप लोग कर भी रहे हैं तो काफी अच्छी चीज है. इट इज वेरी अप्रिशिएबल. कल के लिए लोकेशन ले लीजिए आप लोग. तो देखिए हम लोग अब बात करेंगे ग्लेशियर्स की. हालांकि हमारे जीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इग्नोर करने की बजाय उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा टेक्निक रहेगा. तो डे 15 के लिए आपके लिए लोकेशन है काराकोरम ग्लेशियर के पास में. ये सारे ग्लेशियर आपको बनाने हैं, इसके बारे में लिखना है. सियाचिन ग्लेशियर, सासिनी ग्लेशियर, हिस्पारा, बैफो, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा और खाडोपिन. कश्मीर, हमारे कश्मीर के ग्लेशियर्स के बारे में रिमो, पुनमा, रूबल, रूपल हो गया, दियामीर हो गई उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री और सिक्किम में जेमू. तो ये हमारे कुछ लोकेशन है जिनको आप लोग लोकेट करिएगा. लोकेट करने के बाद में इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च आउट करिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा और हम तक भेजिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.